जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश। कानिफनाथ जी के तंत्र का एक पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण साधना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कानिफनाथ जी ने वीरभद्र पर एक मंत्र दिया। वीरभद्र कौन से देवता है? कहानियों को अगर एक तरफ रख दे तो वीरभद्र वो देवता है जिनके बारे में आप अगर पढ़े और जाने तो आपको पता चलेगा कि अगर आप सत्य का साथ दे रहे हैं, अगर आप धर्म का साथ दे रहे हैं, तो स्वयं देवता भी आपको परास्त नहीं कर सकते हैं। वीरभद्र महादेव महाकाल का एक रूप है। जब यज्ञ में भगवती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था, यहाँ एक त्रुटि है, आप बहुत लोग बोलते हैं कि भगवती हवन कुंड में कूद गई थी, जब भगवती ने अपने योग अग्नि से खुद को भस्म कर लिया था तो महाकाल बहुत क्रोधित हो गए थे और अपने जटा को तोड़कर जमीन पर फेंका था। उससे माँ भगवती भद्र रुद्रकाली पैदा हुई, जो रुद्रकाली की हम पूजा करते हैं, जो हमारे यहाँ स्थापित है, रुद्रकाली की का आगमन हुआ और साथ में वीरभद्र का आगमन हुआ। तो वीरभद्र को महादेव जी ने बोला कि जा करके यज्ञ में जाओ और उस दुष्ट का सर काट करके लेके आओ। तो वीरभद्र देवता वहाँ गए, उन्होंने सब कुछ रंडभंड कर दिया, लेकिन जैसे ही वो राजा को मारने जा रहे थे तो विष्णु भगवान बीच में आ गए, क्योंकि विष्णु भगवान के वो भक्त थे और विष्णु भगवान और वीरभद्र जी में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बाद में ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि विष्णु भगवान वीरभद्र से हार जाएंगे, तो ब्रह्मा जी उनको ट्रिक करने के लिए उनके सारथी बने, बहुत घुमाया, बहुत उनको शांत करने की कोशिश किया, लेकिन वीरभद्र जी बिल्कुल लक्ष्य से भटके नहीं, वो आमादा थे अपने कार्य को पूरा करने के लिए। विष्णु भगवान को जब आभास हुआ तो विष्णु भगवान ने उन पर सुदर्शन चक्र चलाया। उसके बाद महादेव जी की आकाशवाणी हुई, विष्णु भगवान को बोला कि आप वीरभद्र के धर्म संगत काम में अवरोधक ना बने, और फिर वीरभद्र जी ने अपना काम पूरा किया, राजा दक्ष का सर काट करके उन्होंने महादेव के चरणों में रख दिया। तो वीरभद्र वो देवता है जो कि अगर आप देव कार्य से चल रहे हैं, अगर आप सच्चे पथ पर चल रहे हैं, अगर आप धर्म के पथ पर चल रहे हैं और कोई भी अड़चन आती है तो अगर उसको आपको काटना है तो वीरभद्र साधना आपको करनी चाहिए। वीरभद्र साधना मतलब इसका कोई काट नहीं होता है, लेकिन वीरभद्र साधना सिर्फ और सिर्फ सही काम के लिए होता है। जैसे आप खुद की रक्षा के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो, खुद की उन्नति के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो, आप पे काला जादू चल रहा है उसको रोकने के लिए प्रयोग कर सकते हो। आज जो मैं आपको वीरभद्र साधना दे रहा हूँ इसका दिन तय नहीं होता है, साधक के शक्ति अनुसार 7 दिन 9 दिन 11 दिन या 21 दिन का संकल्प होता है। इस साधना में वीरभद्र जी की साधना जब भी होगी तो वो महादेव के तस्वीर के सामने होती है, मतलब वीरभद्र जी की आप तस्वीर नहीं रखेंगे, घर में जब भी रखेंगे तो महादेव की तस्वीर रखेंगे। जो ध्यानी है वो सिर्फ महादेव पे ध्यान करके भी इनकी साधना कर सकते हैं। तो वीरभद्र जी की जब आप पूजा करते हैं तो आपको चमेली का दीपक जलाना होता है, ठीक है, गूगल का धूप देना होता है और प्रसाद में गुड़ चढ़ता है। इसके अलावा आप लोग जो है, आप लोगों का मुख नॉर्थ की तरफ होगा। जब मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ तो नॉर्थ का मतलब है कैलाश मानसरोवर की तरफ, तो जो भारत में है वो नॉर्थ की तरफ मुख करके और कैलाश मानसरोवर को का ध्यान करते हुए इस पूरी साधना को करेंगे। जो भारत के बाहर से साधना कर रहे हैं, जो यूके में है, यूएस में है, वो डायरेक्शन देख लेंगे अपने देश से कैलाश मानसरोवर का, और मानसरोवर की तरफ देख करके ही वो इस पूजा पद्धति को, इस साधना विधि को करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, इस साधना में एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जब आप साधना कर रहे हो तो साधना करने के बाद सीधे जाकर के सो जाना, बीच में आप किसी से बात नहीं कर सकते और ना ही किसी और मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। मतलब आपने साधना किया, चुपचाप उठो और बिस्तर में जाकर के सो जाओ, ना किसी से बात ना किसी मंत्र का जाओ, ठीक है। आपने जितने भी दिन का साधना का संकल्प किया उस बीच में आपको वीरभद्र महाराज किसी न किसी रूप में ये आभास देंगे कि मैं आ चुका हूँ। जिनको ये आभास हो जाएगा कि वीरभद्र महाराज अब आ चुके हैं वो मुझे बताएंगे, तो फिर इस मंत्र को पूर्णता सिद्ध करने का एक दिन, एक मुहूर्त, एक तिथि होता साल में, जो इस साल
मुझे लगता है जनवरी में आएगा, तो जिसको भी अनुभूति होगी वो मुझे बताएंगे और मैं फिर उनको वो एक दिन की साधना अभी करवाऊंगा। आप लोग मंत्र सुनिए, मंत्र 3 बार बोलूंगा, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मंत्र लिख के दो, मंत्र नहीं लिख के दूंगा मैं, आप लोग ध्यान से सुनो। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु जी को, शून्य शून्य ओमकार, फिर पधारे सोमकार, जटाजूट रुद्रकाली वीरभद्र महान, आओ थामो मेरी यान, वीरभद्र आवत मूट फेरे, यज्ञ लेकर क्या करूं, कानिफ नाथ नाम आगे धरूं, रक्षा करो वीरभद्र महान, जो ना आवे पावपंथी पीरों की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धन की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु कनीफ की शक्ति, ओम हम नमः फट स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम नमो आदेश गुरु जी को, शून्य शून्य ओमकार, फिर पधारे सोमकार, जटाजूट रुद्रकाली वीरभद्र महान, आओ थामो मेरी आन, वीरभद्र आवत मूट फेरे, यज्ञ लेकर क्या करूं, कानिफ नाथ नाम आगे धरूं, रक्षा करो वीरभद्र महान, जो ना आवे पावपंथी पीरों की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धन की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति, ओम हम नमः फट स्वाहा। अंतिम बार बोल रहा हूँ, ओम नमो आदेश गुरु जी को, शून्य शून्य ओमकार, फिर पधारे सोमकार, जटाजूट रुद्रकाली वीरभद्र महान, आओ थामो मेरी आन, वीरभद्र आवत मूट फेरे, यज्ञ लेकर क्या करूं, कानिफ नाथ नाम आगे धरू, रक्षा करो वीरभद्र महान, जो ना आवे पावपंथी पीरों की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धन की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु कानिफ की शक्ति, ओम हम नमः फट स्वाहा। इस मंत्र को आप लोग रोज एक माला करेंगे रात्रि में, सिर्फ एक माला, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन बस इतना है कि आप किसी से उसके बाद बात नहीं करेंगे, सीधे जाकर सो जाएंगे। बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन, कोई मंत्र, कुछ नहीं होना चाहिए, सीधे जाकर के सोएंगे। आपको रात्रि में ही वीरभद्र के होने का आभास होता है। तो रोज़ एक माला करिए, 7, 9, 11, 21 अपने शक्ति अनुसार, और जिसको अनुभूति हो जाएगी वो मुझे बताएगा, ठीक है। और उसके बाद जो एक दिन की साधना होती है साल में, इनकी एक दिन में ये सिद्ध होगा मंत्र, वो मैं उनको करवाऊंगा जिनको अनुभूति होगी। देखो आप अनुभूति झूठी मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे पता है कि वीरभद्र की क्या क्या अनुभूतियाँ होती है। बहुत लोगों ने इस बीच में बहुत तरह का ट्रिक किया मुझे, तरीके तरीके से घेरने की कोशिश, लेकिन ऐसा साधना में करना नहीं चाहिए। आप लोगों को वीरभद्र साधना करनी है, और भी मैं मंत्र दूंगा, लेकिन इस मंत्र को करने में, इस मंत्र को वही कर सकते हैं जिनको वीरभद्र खुद एक आभास दे कि मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को साधनाओं का बेसिक मूल समझना है, बेसिक मंत्र जानने हैं, तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो मेरा एक वेबसाइट है www.अघोरतंत्ररहस्य.com, उसमें आप जाकर के लॉगिन करके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी एक किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनको भूत प्रेत में इंटरेस्ट है, उसमें जा करके वो लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, रुद्रनाथ सर्च कीजिए, आप उसमें से मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहुत अर्जेंसी हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। वीरभद्र भगवान आप लोगों की रक्षा करें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश, आदेश।